आईकू लेके आ रहे हैं अपना दो नए फ़ोन, एक आईकू G9S 5G और दूसरा आईकू G9S Pro 5G। आईकू G9S सीरीज़ को 21 अगस्त को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसका सभी स्पेक्स और प्राइस भी कंफर्म हो गया है। आईकू G9 सीरीज़ में 3 फ़ोन पहले ही लॉन्च हो चुका है, एक आईकू G9 5G, दूसरा आईकू G9X 5G और तीसरा आईकू G9 Lite 5G। तो आज की इस वीडियो में हम आईकू G9S Pro 5G के बारे में बात करने वाले हैं, आखिर ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से कैसा रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सबसे पहले इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसका बैक पैनल को मेट फिनिश दिया गया है, वहीं इस फ़ोन के ऊपर की तरफ कैमरा मॉड्यूल है। फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा है, इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा और इसमें 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। इसका अंतुतु स्कोर 800,000 से ज़्यादा निकल के आता है, यानी कि इसमें अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। इसको दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, बेस वेरिएंट 8GB रैम और 28GB इंटरनल स्टोरेज और वेरिएंट 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज में। रैम टाइप LPDDR5, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 देखने को मिल सकता है और आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 14 देखने को मिलने वाला है। इस फ़ोन पे 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। बात करूँ कैमरा की, तो ये डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 प्राइमरी कैमरा, जो कि OIS को सपोर्ट करता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसमें AI फोटो इन्हांस, AI इरेजर जैसे फीचर्स भी देखने को मिलने वाला है और इसके रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। इसमें 5500 mAh की बैटरी दिया जाएगा, जो कि 80W का चार्जर सपोर्ट करेगा। तो ये सब इस आईकू G9S Pro 5G में देखने को मिलने वाला है। बात करूँ प्राइस की, तो इस फ़ोन का प्राइस अंडर 25,000 रहने वाला है और इसका जो छोटा भाई है आईकू G9S 5G, वो अंडर 20,000 का रहने वाला है। प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो फ़ोन अच्छा है, क्योंकि अंडर 25,000 वाला फ़ोन के लिए स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 अच्छा प्रोसेसर है, डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिलने वाला है, कैमरा और बैटरी भी ठीक है। मेरे हिसाब से फ़ोन प्राइस के हिसाब से ठीक रहने वाला है, बाकी पता चलेगा लॉन्च के बाद। बाकी आपके हिसाब से फ़ोन कैसा रहने वाला है, ऐसे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।